जय मसीह की। दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है मत्ती की पुस्तक, उसका 27वां अध्याय और उसका 62वां और 63वां वचन। वचन कहता है, दूसरे दिन अर्थात तैयारी के दिन के एक दिन पश्चात मुख्य याजकों और फारिसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, महोदय, हमें स्मरण है कि उस धोखेबाज ने अपने जीते जी कहा था, 3 दिन के बाद मैं फिर जी उठूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, चलो हर वचन सत्य है। दोस्तों, यहां पर क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर शैतान डर रहा है, यहां पर शैतान डर रहा है कि वो सत्य कहीं दुनिया के सामने उजागर ना हो जाए जो यीशु मसीह के मुंह से निकला था। दोस्तों, यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले 7 बार तकरीबन अपने चेलों से कहा था कि मैं मरूंगा और जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया। ये सत्य जो दुनिया के सामने पेश करना चाहता था, वो सत्य जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा दुनिया के सामने लाना चाहता था, लेकिन डर की वजह से वो चेले ऊपरी कोठी में कैद थे। हालेलुया। यूहन्ना 20:19 में बताता है कि उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, जब यीशु आकर उनके मध्य खड़ा हो गया और उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। दोस्तों, सोचिए आप उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने लेकर आइए। जब यीशु मसीह मर गया था और 3 दिन के बाद वो जिंदा होने वाला था, ये सत्य परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उजागर कर चुका था, ये सत्य यीशु मसीह अपने चेलों पर प्रकट कर चुका था, लेकिन चेलों के पास क्या था? डर। दोस्तों, ये डर परमेश्वर की योजनाओं को आपके जीवन में प्रकट होने नहीं देता, ये डर परमेश्वर की योजनाओं को पूरा होने नहीं देता। और शैतान यही चाहता है, शैतान चाहता है कि आप डरे, शैतान चाहता है हमें डराना। हालेलुया। पिलातुस के सामने महायाजक डरे हुए थे कि ये सत्य कहीं सबके सामने आ ना जाए। अब सोचिए, वो चेले जिसको यीशु मसीह ने बताया था 7 बार कि मैं मरने के बाद जिंदा उठूंगा, अगर वही चेले बिना डरे हुए, अगर वही चेले उस कब्र के सामने खड़े होते और पिलातुस को बोलते, हैं पिलातुस, ऐ महायाजक, हम तुझे ऐलान करते हैं, देख अभी यीशु मसीह 3 दिन के बाद जिंदा होने वाला है। उस संडे, उस रविवार को यीशु मसीह का इंतजार करते, उस सबके दिन यीशु मसीह का इंतजार करते और वहां स्वर्गदूत आते और दुनिया देखती, पिलातुस देखता, महायाजक देखता कि किस तरीके से यीशु मसीह ने चंगाई पाई, किस तरीके से यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होते। यही परमेश्वर चाहता था, लेकिन डर ने उन चेलों को ऊपरी कोठरी में कैद करके रख दिया। दोस्तों, हमारे जीवन से डर हमें निकालना है ताकि परमेश्वर की योजना हमारे द्वारा पूरी हो और दुनिया जाने की यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। ये सत्य है, इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता। बादलों पे सवार होकर यीशु मसीह आने वाला है, वो हमको लेके जाने वाला है। ये सत्य हमारी जबान पर होना चाहिए, ये सत्य हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए, ये सत्य हमारे चाल चलन में होना चाहिए, ये सत्य हमें जीवित रहना चाहिए। इसीलिए हम परमेश्वर का आशीष पाएंगे, इसीलिए हम परमेश्वर के लिए चुने गए हैं, इसीलिए हम उसकी महिमा का कारण है। दोस्तों, हमारे अंदर डर ना आए, हमारे अंदर कोई भी ऐसी चीज ना आए। याद करिए दानियल को, दानियल जो परमेश्वर की सेवा करता था, दानियल जो परमेश्वर की स्तुति करता था, आराधना करता था और डरता नहीं था। राजा दारा के समय में उसने दस्तावेज में हस्ताक्षर हुए और उसके बाद धन्यवाद की प्रार्थना गिरने के लिए दानियल अपने घर गया और घुटने टेक कर उसने स्तुति की, आराधना की। वो जानता था ये ऐलान हो चुका है, जो कोई दारा के बिना, जो उस राजा के बिना किसी और को पूजेगा, उसको शेर की मांद में डाल दिया जाएगा। वो जानता था ये ऐलान हो चुका है, उसके बावजूद भी वो धन्यवाद की प्रार्थना करने के लिए यरूशलेम की तरफ खिड़की खोलकर उसने धन्यवाद की प्रार्थना की, उसने परमेश्वर के सामने नतमस्तक किया और दुनिया को बताया कि परमेश्वर ही सबसे ऊंचा है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वही रचयिता है जिसके सामने हमें झुकना है। और हुआ क्या? शैतान का मुंह बंद हो गया जब दानियल को सिंह की मांद में डाला गया। लेकिन सुबह जब राजा दारा उसे बोलने के लिए गया, उसने आवाज लगाई, दानियल तू कैसा है? दानियल ने कहा, राजा मैं यहां पर हूं और मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। जब हम डरेंगे नहीं, जब हम परमेश्वर के वचनों को बोलेंगे, जब हम परमेश्वर की वाणी को अपने जीवन में लाएंगे, तो हमारे जीवन में सत्य होगा, हमारे जीवन से सत्य प्रकट होगा, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। दोस्तों, हमें यही करना है, हमें वाचा बांधनी है कि हमें डरना नहीं है, बिना डरे हमें परमेश्वर के सुसमाचार को दुनिया तक पहुंचाना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। परमेश्वर तू महान है, तू ज्योति है और परमेश्वर दुनिया जाने हमारे द्वारा कि तू आने वाला है।
यीशु मसीह के पवित्र स्वर्ग के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं, आमेन।